माझ्या फोनवर ऐकून कारवाई थांबवायची का करायची नाहीये. मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. चुनावी दौर जारी है और आचार संहिता भी लागू है, चुनाव प्रचार भी हो रहे हैं, चुनावी प्रचार के नियम भी हैं, मगर नियमों को ताक पर रखकर शहर की इमारतों में एनसीपी पार्टी ने झंडे लगाए रखे थे, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता रिजा रशीद ने चुनाव आयोग में शिकायत की और किस्मत कॉलोनी चांद नगर रशीद कंपाउंड में एनसीपी के झंडे लगे हुए थे. शहर के कई इमारतों में एनसीपी के झंडों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, मगर रशीद कंपाउंड में जब रिजा रशीद और चुनाव आयोग पहुंची तो इमारतों पर लगे एनसीपी के झंडों पर कार्रवाई करने को लेकर जमकर बवाल हुआ. एनसीपी के रेहान पीतलवाला अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर बीजेपी नेता रिजा रशीद से झड़प की. पहले तो कहा कि झंडा लगाने का परमिशन है, फिर कहा कि खुद झंडा उतारेंगे. इसी दौरान एनसीपी समर्थकों ने रिजा रशीद से वहां जाने के लिए कहा, मगर जब रिजा रशीद वहां से नहीं गई तो चुनाव आयोग ने भी झंडों पर कार्रवाई शुरू कर दी. एनसीपी कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर अपनी टीम के साथ रशीद कंपाउंड पहुंच गए और हंगामा करने वालों को भगाया. किस तरह से झंडे उतारने पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. हॅलो हॅलो हा बोला साहेब. हा हे जो झेंडे लगा आहे बिल्डिंग तो इनका परमिशन आहे का. हा मी वही वही खडा हूं, जल्दी दे दो ना. आम्हाला माहित आहे एवढ्या झेंड्याची परवानगी असे तर पैसा एवढा पैसा लावणार आहेत का मॅडम. नाही 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 कोणाशी नाही. चला फोन द्या माझा. नाही 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 मी नाही बोलणार. चला तुम्ही तुमची कारवाई चालू ठेवा. झेंडे चला तुम्ही ऑर्डर द्या त्यांना. ए तुम्ही तुम्ही तुमची कारवाई चालू. कोणाच्या फोनवर ऐकून कारवाई थांबवायची का करायची नाहीये. झंडा निकालेंगे हम लोग को हटाओ यहाँ से.
चलो इधर आइए ना, थोड़ा निकालने के चलो Thank you.
किस्मत कॉलोनी रशीद कंपाउंड 4 नगर में लगे झंडों पर कार्रवाई की गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।